भारतीय जनता युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर कार्य समिति की बैठक बेनीगंज स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पर भाजयुमो के महानगर उपाध्यक्ष चंदन श्रीवास्तव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा महानगर अध्यक्ष राहुल श्रीवास्तव ने कहा कि 2019 के चुनाव में युवाओं की सबसे महत्वपूर्ण एवं अहम भूमिका होगी। 2019 का चुनाव कोई चुनाव नहीं बल्कि एक धर्म युद्ध होगा और भारतीय जनता पार्टी इस धर्म युद्ध को युवाओं के बल पर ही लड़ेगी और विजय सुनिश्चित कर फिर से केंद्र में नरेंद्र मोदी की सरकार बनाएगी। भाजपा महानगर महामंत्री एवं युवा मोर्चा के महानगर प्रभारी राजेश गुप्ता ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि युवा मोर्चा भाजपा का एक अभिन्न अंग है। 2014 की भांति युवाओं को अटल के आदर्शों पर चलते हुए देश में 2019 में दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बननी है। कार्यक्रम का संचालन भाजयुमो महानगर महामंत्री अभय शुक्ला ने किया। बैठक में मुख्य रूप से भाजयुमो के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष सुमित राय, अवधेश अग्रहरी, अजय श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष शिवम मिश्रा, मनोहर गुप्ता, सिद्धार्थ चक्रवर्ती, सत्येंद्र जायसवाल, मंत्री कृष्णा तिवारी, सत्यार्थ मिश्रा आदि उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर संवाददाता से बात करते हुए राहुल श्रीवास्तव ने कहा, चक्रवर्ती जी से कि हमारे बीच उपस्थित क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष भरे भाई, अब मैं निवेदन करूंगा, अब मैं निवेदन चले अध्यक्ष जी को दबा बाकी इसका पर्चा नहीं हुआ है कार्यालय सोशल मीडिया पे, सोशल मीडिया पे आप देख रहे हैं क्या चुनाव मंडल पांच आने का। अब इसमें कोई और है इसका बैठ शिवम मिश्रा मंडल उपाध्यक्ष राप्ती नगर विशेष के महानगर के यशस्वी अध्यक्ष हम सबके मार्गदर्शक आदरणीय राहुल श्रीवास्तव जी उपस्थित हैं। आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के महानगर के महामंत्री और युवा मोर्चा गोरखपुर महानगर के प्रभारी बड़े भाई आदरणीय राजेश गुप्ता जी उपस्थित हैं। हमारे बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा के क्षेत्रीय कोषाध्यक्ष बड़े भाई सुमित राय जी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक स्वागत। हमारे बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा के गोरखपुर महानगर के महामंत्री बड़े भाई अवधेश अग्रहरी जी उपस्थित हैं, आपका हार्दिक एवं हमारे बीच में भारतीय जनता युवा मोर्चा के महानगर के उपाध्यक्ष बड़े भाई चंदन श्रीवास्तव जी स्वागत और अभिनंदन है। भारतीय जनता युवा मोर्चा पूरी प्रदेश इकाई के अपने सभी हमारे पदाधिकारी कार्यकर्ता मुस्तैदी से 2019 के चुनाव की रणभेरी में कूद चुके हैं। इसी निमित्त आज अपने इस गोरखपुर महानगर के युवा मोर्चा के हमारे पदाधिकारी मंडल अध्यक्ष कार्य समिति की आज एक महत्वपूर्ण बैठक यहाँ आयोजित है। नेतृत्व द्वारा जो जिस प्रकार निर्देश हमें पहले भी मिलते रहे हैं पूरी ऊर्जा के साथ युवा मोर्चा के कार्यकर्ता तन मन से लग करके और पूरी तन्मयता के साथ उस कार्यक्रम को सफल बनाते हैं। आगे बहुत सारे अभियान आने वाले हैं, वॉलंटियर बनाना है, विद्यालयों में जा करके और लोगों को जोड़ करके अपनी विचारधारा से जोड़ने का कार्य करना है, ऐप के माध्यम से उन्हें शपथ दिलाना है, कमल क्रिकेट का भी आयोजन करना है। फिर अभी हमने लोकसभा स्तर पर बाइक रैली निकाली थी, अब नेतृत्व ने तय किया है कि विधानसभा स्तर पर हम बाइक रैली का कार्यक्रम करेंगे और उसी रैली के लोकसभा में जो जिस प्रकार पूरे प्रदेश में एक इतिहास बनने का कार्य हुआ था और मुझे लगता है यदि गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड में पहले से रजिस्ट्रेशन कराया हुआ गया होता तो यह रिकॉर्ड उसमें दर्ज हुआ होता। निश्चित तौर पे अब विधानसभा स्तर पे पूरे देश में एक साथ मोटरसाइकिल रैली निकाली जाएगी और यह इतिहास बनेगा और 2019 में पुनः मोदी जी को सत्ता सौंपने के लिए देश की जनता और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आतुर हैं, पूरी तन्मयता से लग करके पुनः देश की बागडोर श्रद्धेय नरेंद्र मोदी जी को सौंपने के लिए हम सभी पूरा कमर कस लिए हैं। निश्चित तौर पे इन कार्यक्रमों के माध्यम से हम जनता से जुड़ करके और मोदी जी को पुनः सत्ता सौंपने का कार्य करेंगे।